मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी पाठथर्ड बीए बीएससी या बीकॉम सत्र 2019-22 को रिजल्ट का लेकर अगर आप संतुष्टि नहीं है, जैसे कि आपका नंबर्स कम है, या तो आपको प्रमोटेड किया गया है या आपको फेल कर दिया गया है, आपने ठीक ठाक से लिखा है, नंबर आपका कम है ऑनर्स में, तो अब आपको कॉपी रीचेक कैसे करवानी है, आइए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं माँ लीला टेलीकॉम को। सबसे पहले दोस्तों, यहां आप नोटिस देख सकते हैं कि ये कल का नोटिस था, 15/2/2023 का, देर शाम में इसको जारी किया गया था, लेकिन किसी कारणवश मैंने वीडियो नहीं बना पाई, तो आज मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ और पूरी डिटेल के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको डेट का नोटिस मिल जाती है, परीक्षा विभाग द्वारा ये सूचना जारी किया है कि बीए बीएससी या बीकॉम प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स पार्ट थर्ड सत्र 2019-22 परीक्षा 2022 में सम्मिलित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्क्रूटनी के लिए 16/2/2023 से 24/2/2023 से 200 रुपया प्रति पत्र यानी अधिकतम 3 पत्र के साथ आवेदन अपने महाविद्यालय से अग्रसित करवाकर परीक्षा विभाग में जमा कर दें। यानी कि आपको जो रिजल्ट निकाला गया है उसका रिजल्ट का पीडीएफ को लेकर आपको अपना महाविद्यालय में पहुंचना है और वहां से आपको एक लेटर लिखवानी है। या अधिकतम आपको आप 3 सब्जेक्ट में इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपको मेंशन किया गया है कि अधिकतम आप 3 सब्जेक्ट के लिए इसे आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में आपको आवेदन देने के बाद उसे अग्रसित करवा लेनी है और वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी पहुँच जानी है। यूनिवर्सिटी में परीक्षा विभाग में आपको 200 रुपया की चालान कटेगी। मुंगेर यूनिवर्सिटी के आर डी एंड डी जे कॉलेज के कैंपस में पंजाब नेशनल की बैंक है, वहाँ से आपका 3 सब्जेक्ट में अधिकतम आप इसे एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर 3 सब्जेक्ट में देते हैं तो आपको टोटल 600 रुपया लगता है, और जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है उसके लिए आप कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, और वो जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो परीक्षा विभाग में आपको यूनिवर्सिटी में जमा कर देनी है। जैसे जमा कर दीजिएगा, ये आपको डेट पता चल गई कि 16 से लेकर 24 तक आप जमा करवा सकते हैं और इस तरह से अपना कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। और रीचेक करवाने के बाद सभी का नंबर्स बढ़ेंगे, पिछला साल के मुताबिक इस साल भी नंबर आपका बढ़ेंगे। पिछले साल जो पार्ट टू का रिजल्ट आई थी उसमें से आप भी देखे थे कि आपका रिजल्ट को बढ़ा दिया गया था। आई होप ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत, अपना रखें ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।